श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आज 4 मार्च फुलेरा दूज का बहुत ही बड़ा पर्व, बहुत ही बड़ा दिन। 365 दिन में से यह एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप भोलेनाथ को जो भी समर्पित करते हैं और जो भी कामना करते हैं आपकी अवश्य भोलेनाथ पूरी करते हैं। आप सभी जानते हैं कि फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण का मिलन दिन था, साथ ही भगवान भोलेनाथ के लिए भी यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप आज के दिन किसी भी समय, कोई समय की पाबंदी नहीं है, फुलेरा दूज को 4 मार्च जो आज है, आज के दिन आप 108 अक्षत के दाने, अक्षत का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, मुझे बार बार दोहराने की आवश्यकता शायद नहीं है। अक्षत यानी जो चावल खंडित ना हो, 108 अक्षत के दाने, 108 सफेद पुष्प या 108 मूंग के दाने, जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। यदि आप 108 पुष्प, सफेद पुष्प मिल जाते हैं, आप वह समर्पित कर दें। 108 अक्षत के दाने यदि वह मिल जाए, वह समर्पित कर दें। आप 108 मूंग, खड़े मूंग यदि वह मिल जाए, भोलेनाथ को वह समर्पित कर दें। किसी भी समय आपको करना है, भोलेनाथ पर आप जब समर्पित करते हैं अपने मन की कामना करते हुए, भोलेनाथ के समक्ष विनती करते हुए, अपना जो भी कार्य आपको ऐसा लगता है कि इस कार्य में मुझे सफलता बहुत जरूरी है, आप यदि धन लक्ष्मी की कमी से परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन धन की कमी के कारण आप परेशानी में गुजर रहे हैं और आपके परिवार को वह सुख नहीं दे पा रहे हैं जिसकी आप मन ही मन इच्छा रखते हैं, यदि ऐसा है तो आप ये कार्य कर देखें। आप देखना, भोलेनाथ इतने भोले वाले हैं कि, और जो फुलेरा दूज का एक पर्व होता है, जो फुलेरा दूज का एक महत्व होता है, आज के दिन सिर्फ 108 कोई भी सामग्री आप यदि भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, आपकी वह कामना अवश्य पूरी होगी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।